स्किन कैंसर, स्किन मतलब त्वचा हम लोग जिसको बोलते हैं बेसिकली, तो स्किन कैंसर ये इंडिया में काफी अनकॉमन कैंसर है। आप कह सकते हैं ओनली 1% लोगों में ये दिखता है। लेकिन बाहर के वर्ल्ड में, यूएस में, सहारा कंट्रीज में ये काफी, और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में ये काफी कॉमन है। जहाँ सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट रेज का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, वहाँ ये कैंसर दिखाई ज्यादा देता है। इंडिया में ये 1% में ही दिखाई देता है। सो ओवरऑल ये अनकॉमन कैंसर है, लेकिन इसकी जानकारी अनकॉमन होने की वजह से लोगों को कम पता है। स्किन कैंसर के टाइप होते हैं। वैसे तो पूरे बदन में कहीं भी कौन से भी पार्ट में ये हो सकता है, लेकिन जो सन एक्सपोजर में ज्यादा रहते हैं, तो अपना फेस, दोनों हाथ और दोनों पैर, इनमें ये ज्यादा होता है। सो इसके हिसाब से ये कैंसर के टाइप जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं मेलानोमा, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा, और तीसरा बोलते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। सो मेलानोमा ये मोस्ट कॉमन है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। ओवरऑल स्किन कैंसर में आप देखा जाएगा तो मेलानोमा नाम का जो कैंसर है स्किन का, वो मोस्ट कॉमन रहता है। ये मोस्ट कॉमनली फेस पे, जो अपना टिपिकल आंखों के नीचे से लेके यहाँ का जो एरिया होता है, उस एरिया में मोस्ट कॉमनली होता है। उसके बाद बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, अगेन ये भी फेस पे या नेक में मोस्ट कॉमनली होता है, हाथ पे भी हो सकता है। और दूसरा रहता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। सो एक एक टिपिकल कंडीशन होती है तो जिसको हम लोग मार्जोलिन अल्सर बोलते हैं। बेसिकली जो पेशेंट में बर्न्स हुआ रहता है, तो 2 साल, 10 साल, 15 साल के बाद ये बर्न्स के जो घाव रहते हैं वो स्कार करके भरते हैं। तो ये स्कार में एक टिपिकल स्किन का कैंसर जो होता है, तो हम लोग ये मार्जोलिन अल्सर जो इसको बोलते हैं, उसमें टिपिकल कोई कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये फोर्थ कंडीशन है। तो ये 4 टाइप है बेसिकली। बाकी ये चारों टाइप बॉडी में कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन मेलानोमा जो है वो सन एक्सपोजर के वजह से ज्यादा होता है। तो जो सन एक्सपोजर का अपना बॉडी में एरिया है, फेस, नेक, दोनों हाथों के और एड़ियों के नीचे, घुटनों के नीचे, पैर का भाग, ये इन एरिया में ज्यादा रहता है। पीठ पे, पेट में यूजुअली इतना नहीं होता। हर एक स्किन कैंसर के कोई टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो आप पहले पकड़ सकते हैं। ये कैंसर में दर्द होना या ये बहुत काफी अनकॉमन होता है, लेकिन मेलानोमा में काले, डार्क ब्राउन या ब्लैक, जिसको हम लोग टिपिकल डार्क ब्राउन ब्लैक कलर के पैचेस बोलते हैं, ये बॉडी पे दिखते हैं। इसके 5 पॉइंट्स रहते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर, क्या स्किन के ऊपर आया हुआ नोड्यूल टाइप हम लोग को स्वेलिंग दिखेगा, वो तो छोटा भी हो सकता है, जिसको हम लोग बहुत बार मोल बोलते हैं, मसा बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो काफी बार ये लोग मसे से मिस इंटरप्रेट करते हैं कि अरे ये तो मोल है या मसा है। दूसरी चीज, ये स्किन से ऊपर होता है, तो आप एक स्किन से पूरा अपना अगर कोई हाथ लगा रहा है स्मूथली, तो ये ऊपर आया हुआ घाव जैसा लगता है। इसका जो सरफेस होता है वो असिमेट्रिकल होता है। पेन इसमें स्टार्टिंग में नहीं होता है, जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ती है मेलानोमा की, वैसे ही इसका पेन हो सकता है। और कभी कभार ये मेलानोमा में अगर साइज बढ़ी हुई है, तो काफी बार इसके नजदीक के जो नोड्स होते हैं, जिसको हम लोग गंडमला बोलते हैं, वो नोड्स भी बड़े हुए रहते हैं। तो मेलानोमा के ये टिपिकल सिम्टम्स है। बेसल सेल कार्सिनोमा जो दूसरा टाइप है स्किन कैंसर का, उसके बारे में हम लोग बात करें तो उसमें भी यूजुअली स्किन में लाल धब्बे या लाल घाव जैसा होता है, ये ब्राउन या ब्लैक कलर का नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द बेसल सेल कार्सिनोमा एंड मेलानोमा। तो यो इसमें स्किन में घाव हुआ हुआ रहेगा, खड्डा हुआ, जिसको अल्सर बोलते हैं वो होगा। उसमें से कभी कभी पानी जा सकता है, पीप जा सकता है, जिसको पस बोलते हैं, कभी कभी ब्लड भी जा सकता है। और ये यूजुअली मेलानोमा के कंपेरिजन में काफी बड़ा होता है साइज में। मेलानोमा काफी छोटा रहता है, इसलिए अननोटिस जाता है, लोग डॉक्टर के पास कभी जाते ही नहीं, क्योंकि यार ये तो छोटा है, मसा है। बेसल सेल कार्सिनोमा होता है वो यूजुअली ऐसा नहीं होता है, बड़ा होता है, दिखता है, पेशेंट्स को पता चलता है। काफी बार पेशेंट इसको, हम लोग जिसको दाग बोलते हैं या एक्जिमा बोलते हैं, वो करके ट्रीट करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये दाग नहीं है। तो ये टिपिकल सिम्टम्स है बेसल सेल कार्सिनोमा के। और थर्ड जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन, ये टिपिकली अपना जो स्काल्प बोलते हैं, मतलब ऊपर के बाल अगर नहीं होते तो वहां की जो स्किन है, या नेक की जो स्किन होती है,
या हाथ की स्क्रीन है उस इसमें कॉमन होता है। तो ये टिपिकल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है ये एक अलग एंटिटी, अलग स्किन कैंसर का टाइप है। इसमें भी अगर डिपेंडिंग कौन से स्टेज में, उस हिसाब से आपको अल्सर दिख सकता है, कभी कभी घाव दिख सकता है। और मार्जोलिन अल्सर में जो कैंसर होता है वो आपको टिपिकली दिखेगा कि पेशेंट को पुराना बर्न हुआ हुआ स्कार है और वो स्कार अभी बहुत पिघल गया, हम लोग जिसको बोलते हैं स्कार गंदा हो चुका है, उसमें बहुत बड़ा अल्सर हुआ हुआ है। और ये यूजुअली दिखने में भी टिपिकली लोगों को कॉमनली ये कैंसर काफी जल्दी में पकड़ में आता है, क्योंकि लोग लोगों को लगता है, पता चलता है कि कुछ अनकॉमन है और हम लोग को ये डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तो ये ओवरऑल कॉमन सिम्टम्स है। स्किन कैंसर के डायग्नोसिस यूजुअली पहला तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जब कोई भी हमारे पास आता है हम लोग क्लिनिकली डायग्नोसिस करते हैं, ये मेलानोमा है, वेसल सेल कार्सिनोमा है या क्या है। उसके नजदीक के एरिया में हम लोग नोड्स या गुंडमाला होते हैं वो चेक करते हैं। इसके बाद टिपिकली हम लोग उसके एरिया के एग्जामिनेशन करने के लिए आइदर काफी बड़ा होगा तो हम लोग पहले बायोप्सी लेते हैं, मतलब टुकड़ा जिसको बोलते हैं। बायोप्सी लेने से पहले अगर डाउटफुल रहेगा तो हम लोग सीटी स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि उस कैंसर के नजदीक का एरिया, जैसे फेस पे है तो गर्दन में कोई नोड्स या गंडमाला है या नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये बहुत छोटा रहता है, मतलब घाव 1 सेंटीमीटर का है या आधा सेंटीमीटर का है, तो उस टाइम हम लोग बायोप्सी करने से पहले ही सीटी स्कैन करते हैं, जरूरत पड़ा तो पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन हम लोग को हमेशा बताता है कि बॉडी में कोई भी कैंसर कहाँ फैला हुआ है। तो इवन फेस का मेलानोमा होगा तो भी वो लंग या लिवर में फैल सकता है, तो वो फैला हुआ है या नहीं ये बताते। तो ऐसे समय पर जब ये छोटा रहता है 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर, तो हम लोग पूरा ही निकाल देते हैं, जिसको हम लोग एक्सीजन बायोप्सी बोलते हैं। तो पूरा घाव एडिशनल इसके साथ हम लोग निकालते हैं और वही हम लोग जांच के लिए भेजते हैं। तो डायग्नोसिस ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनिकल डायग्नोसिस रहता है, और उसके साथ डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस कंफर्म और करने के लिए बायोप्सी के साथ जरूरत पड़े तो सीटी स्कैन, कभी कभार एमआरआई जब बहुत डीप हो या बहुत बड़ा हो, जैसे मार्जोलिन अल्सर में बहुत बड़ा रहता है, काफी टाइम नीचे के मसल्स या कभी बोन्स भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये काफी सालों से हुआ रहता है, उस टाइम पे हम लोग एमआरआई भी कर सकते हैं या पेट स्कैन। तो ये रहता है बेसिकली डायग्नोसिस। जब ट्रीटमेंट पार्ट आता है तो मैं बोलना चाहूंगा 99% ये ऐसा कैंसर है, 99% ऑफ द टाइम अगर डायग्नोस सही समय पे हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरह से होती है, और डेफिनेटली हम लोग इसको बोलते हैं कि वो डेफिनेटिव क्यूर है, मतलब एक बार आपने उसकी ट्रीटमेंट ले ली तो भविष्य में वापिस ये कैंसर दोबारा आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसकी 90% ऑफ द टाइम जो ट्रीटमेंट रहती है वो सर्जरी रहती है। जो भी कैंसर है, पैच है, अल्सर हुआ हुआ है, वो हम लोग को पूरा एडिशनल मार्जिन के साथ निकालना रहता है। ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें हम लोग को मार्जिन्स बहुत अच्छे से लेने होती है। मार्जिन्स मतलब कैंसर के इर्द गिर्द का जो भाग रहता है वो हम लोग को बहुत ज्यादा से निकालना पड़ता है। तो मेलानोमा हो, मेनली ओपन सर्जरी होती है। आज आजकल विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हम लोग जिसको एक एक टिपिकल सर्जरी है जिसको मोज सर्जरी बोलते हैं, MOH मोज सर्जरी, ये स्पेसिफिकली मेलानोमा के लिए है। इसमें हम लोग जो कैंसर है वो कैंसर पूरा डेप्थ में और पूरा विड्थ में अच्छे से निकालते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग ऑन टेबल, मतलब जिसको ऑपरेशन टेबल पे ही हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं फ्रोजन में, माइक्रोस्कोप में, कि कैंसर और कैंसर विरहित भाग बराबर से निकला है कि नहीं। अगर लगा कि नहीं निकला है तो वापिस हम लोग और ज्यादा निकालते हैं, वापिस हम लोग चेक करते हैं। सो ऑन टेबल ही ये कंफर्म हो जाता है कि कैंसर और उसके आजू बाजू का जो एक्स्ट्रा मार्जिन, मतलब कैंसर विरहित भाग निकालना है, वो बराबर आए कि। और अब बहुत ही छोटा रहेगा तो आजकल RFA, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी एबलेशन जिसको बोलते हैं वो, या जिसको कॉमन लैंग्वेज में लेजर बोलते हैं, उससे भी कर सकते हैं अगर ये काफी छोटा हो तो। लेकिन 90% ऑफ द टाइम ये डेफिनेटिव उसकी ओपन सर्जरी, मतलब पूरा निकालना होता है। काफी टाइम जो बेसल सेल कार्सिनोमा रहता है या स्काल्प पे हुए हुए कैंसर रहते हैं, जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो टाइप होता है, उसको हम लोग को प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। तो सर्जरी ये मेन ट्रीटमेंट है। इसके बाद कुछ सर्जरी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिपोर्ट्स हम लोग आते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है कि कीमोथेरेपी लगेगी या रेडिएशन। जिसमें जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, बार बार आ रहा है, 2 बार 3 बार आया हुआ है, या बेसल सेल कार्सिनोमा फेस के रीजन में है,
जो 2 बार 3 बार 4 बार आया हुआ है, इसमें रेडिएशन का भी रोल है। उसी समय उसी टाइम पे सिर्फ रेडिएशन दिया जाता है सर्जरी के बाद, एक्यूरेट होता है। ऐसा नहीं है कि फेस पे है तो पूरे फेस को रेडिएशन देंगे, वो जो एरिया है उसी एरिया में रेडिएशन दिया जाता है। कीमोथेरेपी का रोल ये काफी हद तक लिमिटेड है। बेसल सेल कार्सिनोमा में कीमोथेरेपी का रोल कुछ नहीं है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में अगर बहुत ही बड़ा कैंसर है, बहुत फैला हुआ है, तो ये, लेकिन मेलानोमा में डेफिनेटली केमोथेरेपी का रोल है। जब मेलानोमा हद से पार हो जाता है, काफी फैला हुआ रहता है, लंग्स में फैला हो, मतलब फेफड़ों में फैला हो या लीवर में फैला हो, तो कीमोथेरेपी भी हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि मेलानोमा एक ऐसा कैंसर है जिसका स्प्रेड काफी फास्ट होता है, जो अपने नोड्स में जाते हैं और जिसमें स्किप मेटास्टासिस, ये एक स्पेसिफिक टर्म है जो मैं सबको बताना चाहूंगा, स्किप मेटास्टासिस जिसको बोलते हैं, वो बहुत कॉमन होता है। मतलब बहुत बार आप देख सकेंगे पैर के अंगूठे पे काला निशान है, मतलब वो कैंसर है मेलानोमा, लेकिन घुटने या जांघ तक एक एक सेंटीमीटर छोड़ के नसों के पूरे लाइन में काले ठिपके हैं, तो इसको स्किप मेटास्टासिस बोलते हैं। ऐसे टाइम पे हम लोग को पूरा के पूरे ये नोड्स और ये सब निकालना पड़ता है, और उसमें हम लोग कीमोथेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट है कोई भी स्किन कैंसर। स्किन कैंसर की प्रिवेंशन है, एक मोस्ट कॉमन में बताना चाहूंगा कि इंडिया में 1% लोगों को ही स्किन कैंसर होता है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आप सोच सकते हो 1% भी काफी नंबर हो गया। लेकिन 1% होने की वजह से ये मोस्ट निग्लेक्टेड कैंसर है, जिसमें लोग कोई ध्यान देते ही नहीं। अरे स्किन कैंसर ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो स्किन की केयर, खुद की स्किन की केयर करना, ये इंडियन पॉपुलेशन को, लोगों को सिर्फ यही लगता है कि यंग लड़की या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेंट होने वाली उनको ही स्किन केयर करना है या एक्टर एक्ट्रेस को ही करना है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। खुद की स्किन का केयर करना बहुत जरूरी है। बेसिकली जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, जहाँ अल्ट्रावायलेट रेज का परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली प्रिवेंशन ये कैंसर से हो सकता है, अगर आप ये सन एक्सपोजर से खुद को टाले या खुद को बचा पाए, अननेसेसरी ये इतने गर्मी में बाहर जाना टाले। और दूसरी चीज जिसको हम लोग बोलते हैं सन प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द क्रीम, जिसको हम लोग सनस्क्रीन बोलते हैं, उसमें SPF रहता है, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर रहता है 12, 24, 36, तो हर एक ने ये सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो हम लोग डॉक्टर्स रहते हैं या डेंटिस्ट रहते हैं, अंदर ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं या लाइट में काम कर रहे हैं जिसमें यूवी रेज है, उन्होंने भी ये सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। ये पहली चीज है प्रोटेक्शन के लिए। दूसरी चीज डेफिनेटली कोई भी मसा, कोई भी दाग, कोई भी स्टेन या कोई भी अल्सर स्किन पे हो, गठन जैसा स्किन पे हो, तो कृपया ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये कैंसर हो सकता है। हर स्किन का प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दाग होना, खुजली आना, ये नहीं होता है। इससे अलावा भी काफी सारे स्किन के कंडीशंस है जो डर्माटोलॉजिस्ट हमेशा बोलते रहते हैं, तो कोई भी स्किन की कंडीशन हो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, यही मैं बोलूंगा प्रिवेंशन के लिए।